पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में गंगा सूखने की कगार पर पहुंच गई है। पानी की कमी से गंगा के रेत के टीले दिख रहे हैं। गंगा में नाव की जगह इस समय मोटरसाइकिल और कारें चल रही हैं। बनारस में गंगा का ये हाल सरकार के उन दावों के बीच, जब केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कई बार इलाहाबाद से हल्दिया तक गंगा में पानी के जहाज चलने की योजनाओं का दावा करते रहे हैं। नदी वैज्ञानिक कह रहे हैं कि गंगा में अगर तुरंत ऊपर से पानी नहीं छोड़ा गया, बनारस के लोगों को पीने के पानी की भी दिक्कत खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि गंगा सूखने से इलाके का जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। मोदी सरकार ने पिछले महीने ही सुप्रीम कोर्ट में बताया था कि मार्च 2019 तक गंगा 80% साफ कर ली जाएगी, लेकिन गंगा के मौजूदा हालात को देखकर यह दावा हकीकत से दूर लग रहा है। 2014 में वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ने के दौरान मोदी ने कहा था मां गंगा ने उन्हें यहां बुलाया है। वाराणसी में गंगा सूख रही है तो संगम नगरी इलाहाबाद में आसमान से आग बरस रही है। इलाहाबाद की गिनती यूपी के सबसे गर्म शहरों में हो रही है। इलाहाबाद में तापमान 46 डिग्री के पार पहुंच चुका है, जिससे लोग बेहाल हैं। अस्पतालों में लू के शिकार लोगों की भीड़ जुट रही है। राजस्थान के बीकानेर में 46 डिग्री पारा के बीच आधे कपड़ों में प्रदर्शन। बीकानेर के ईसीबी कॉलेज के कर्मचारियों ने अर्धनग्न प्रदर्शन कर प्रशासन पर दबाव बनाया। जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर ये कर्मचारी 96 दिनों से धरने पर बैठे हैं। इनका कहना है कि कॉलेज ने इन्हें निकाल दिया है, प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा। राजस्थान के चूरू में कल सीजन का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया। चूरू में कल दोपहर को तापमान 48 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। जम्मू में भीषण गर्मी की वजह से लोगों का बुरा हाल है। जम्मू में तापमान 42 डिग्री के पार पहुंच गया है। जम्मू में लू से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भीषण गर्मी के बीच पानी की कमी, लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। एमपी के बुंदेलखंड इलाके में भीषण सूखा है, जल स्तर बेहद नीचा चला गया है, हैंडपंप से पानी नहीं मिल रहा है। शिमला में पानी संकट पर मचे हाहाकार के बीच हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कल बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि टैंकरों के माध्यम से मुख्यमंत्री और गवर्नर को छोड़कर किसी भी वीआईपी को पानी नहीं दिया जाएगा। हाईकोर्ट में शिमला नगर निगम को रोज रिपोर्ट देनी होगी। शिमला में पानी की किल्लत को लेकर पिछले दो दिन से जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर निगम उनके हिस्से का पानी बड़े होटलों और वीआईपी लोगों को दे रहा है। इसी के बाद हाईकोर्ट ने नगर निगम को फटकारा है। यूपी के कई जिलों में आज आंधी तूफान से सावधान। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चल सकती है। कल रात दिल्ली एनसीआर में आंधी चली, जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट देखी जा रही है। मई के महीने में इस साल चौथी बार आंधी और तूफान का अलर्ट जारी हुआ है। कर्नाटक के तटीय इलाके में भारी बारिश से हाल बेहाल। मैंगलोर में बाढ़ के हालात, घरों में घुसा पानी। कर्नाटक के मैंगलोर की है ये तस्वीरें, जहां भारी बारिश में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बीच शहर में लोगों को नाव के सहारे बचाया जा रहा है। केरल में मॉनसून पहुंचने के दूसरे दिन भी झमाझम बारिश हुई। केरल के तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, कोट्टायम जिलों के अलावा कर्नाटक के तटीय इलाकों में मॉनसून पहुंच गया है। अब ये महाराष्ट्र और कोंकण की तरफ बढ़ रहा है। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर में 24 गांव के किसानों ने पीएम को चिट्ठी लिखकर लगाई इच्छा मृत्यु देने की गुहार। 24 गांव के किसान पीने और सिंचाई के लिए पानी न होने से परेशान हैं। किसानों का कहना है कि वादा करने के बाद भी शिवराज सरकार ने कान्याखेड़ी दूधी नहर डैम का काम पूरा नहीं कराया है, जिससे वो बूंद बूंद पानी को मोहताज है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम अजीत जोगी की तबीयत बिगड़ी। रायपुर से एयर एम्बुलेंस के जरिए गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल ले जाने की तैयारी। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के प्रमुख अजीत जोगी को सांस लेने में तकलीफ होने के बाद कुछ दिनों से रायपुर के रामकृष्ण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूपी के कैराना में 73 और महाराष्ट्र के भंडारा गोंदिया के 49 बूथों पर उपचुनाव के लिए आज फिर से वोट डाले जा रहे हैं। ईवीएम में शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है। कल लोकसभा की 4 और विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आएंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनने के बाद कुमारस्वामी कल पहली बार जनता से मिले। कुमारस्वामी आज राज्य में किसानों की कर्ज माफी का ऐलान कर सकते हैं। राजस्थान के अलवर जिले में गाय तस्करों का पीछा कर रही हरियाणा पुलिस की टीम पर गाय तस्करों ने की फायरिंग। गोली लगने से 2 जवान जख्मी। अलवर पुलिस की टीम ने नाकाबंदी कर 6 गो तस्करों को गिरफ्तार किया और गोवंश से भरी गाड़ी जब्त की।
हरियाणा के जींद में एक डेरा संचालक पर 14 और 16 साल की दो लड़कियों को 3 दिन तक बंधक बनाने और रेप करने का आरोप लगा है। दोनों नाबालिग 10वीं की छात्राएं हैं। लड़कियों पर भूत प्रेत का साया होने के शक में उनके रिश्ते के मामा ही डेरा ले गए थे। गुजरात के निर्दलीय विधायक और दलित नेता जिग्नेश मेवानी ने दावा किया है कि 2019 के चुनाव में बीजेपी और पीएम मोदी को दलितों का एक भी वोट नहीं मिलेगा। मेवानी ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से आरएसएस के कार्यक्रम में न जाने की अपील की है। हरियाणा की बीजेपी सरकार में मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी को लेकर विवादित बयान दिया है। विज ने राहुल को राजनीति का निपा वायरस कहा है। उन्होंने कहा है कि राहुल जिस भी पार्टी में जाएंगे वो खत्म हो जाएगी। उधर कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि अनिल विज जैसे लोगों के बयानों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। गुजरात के भावनगर जिले में किसानों और जीपीएसएल कंपनी के बीच चल रहा विवाद बढ़ा। जिले की घोघा तहसील के 12 गांव के किसानों ने कहा जान दे देंगे लेकिन कंपनी के लिए जमीन नहीं देंगे। दो दिन से इन 12 गांव के किसान आंदोलन कर रहे हैं। निपा वायरस की वजह से चमगादड़ के नाम से ही लोग डरे हुए हैं, लेकिन गुजरात के मेहसाणा जिले में 70 साल की एक बुजुर्ग महिला ने 2000 से ज्यादा चमगादड़ अपने घर में पाले हुए हैं। इन चमगादड़ के बच्चों की तरह देखभाल कर रही है ये बुजुर्ग महिला। ओडिशा के नए राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल ने कल पद और गोपनीयता की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक समेत तमाम वीआईपी मेहमान मौजूद रहे। असम के गुवाहाटी में राज्य के रिटायर्ड पुलिस महानिदेशक मुकेश सहाय उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो रिटायरमेंट के बाद चुपचाप घर में बैठ जाते हैं। पूर्व डीजीपी मुकेश रिटायरमेंट के बाद सरकारी स्कूल के बच्चों को गणित पढ़ा रहे हैं। 34 साल तक असम पुलिस में रहने के बाद मुकेश सहाय की इस सेवा पर स्कूल और बच्चे काफी खुश हैं। दिल्ली की 30,000 कोर्ट के बाहर उस वक्त हड़कंप मच गया जब गेट नंबर 2 के पास फायरिंग शुरू हो गई। पुलिस के मुताबिक गोगी गैंग का बदमाश दिनेश, जिसे हरियाणा पुलिस 30,000 कोर्ट में पेश करने के लिए ले जा रही थी, उस पर बदले की भावना से टिल्लू गैंग के एक नाबालिग बदमाश ने गोली चला दी। दिनेश को गोली लगने के बाद अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। केरल के कोट्टायम में केविन जोसेफ नाम के युवक की हत्या के बाद जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जोसेफ ने नीनू नाम की लड़की से लव मैरिज की थी। आरोप है कि लड़की के घर वालों ने जोसेफ की हत्या करा दी। आलू महंगा हुआ तो टमाटर गर्मी की वजह से खराब हो रहा है। दिल्ली की ओखला मंडी में थोक टमाटर 3 से 4 रुपए किलो में बिक रहा है। टमाटर के सही दाम नहीं मिलने से किसान परेशान है। किसान टमाटर को मंडी तक लाने की कीमत भी नहीं वसूल कर पा रहे हैं। दिल्ली में टमाटर सस्ता हो गया है तो वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर में टमाटर के दामों में एकदम से इजाफा हुआ है। यहां जो टमाटर एक दो दिन पहले 15 से 20 रुपए किलो बिक रहा था, अब वो 40 से 50 रुपए किलो तक बिक रहा है। राजधानी भोपाल में भी टमाटर 10 रुपए से बढ़कर 20 से 25 रुपए किलो तक हो गया है। महाराष्ट्र में इस वक्त टमाटर के दामों में तेजी है, जिसका सीधा असर मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।